देखिए आज आप देखेंगे कि प्रदेश के हर कोने से सोशल मीडिया विभाग का पदाधिकारी, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे हमारा प्रदेश का पदाधिकारी हो, लोकसभा प्रभारी हो, विधानसभा कोऑर्डिनेटर, सभी आए। इस कड़कड़ाती ठंड में भी सोशल मीडिया विभाग के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी ताकत से जो नफरत फैलाती है भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए नए ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का संबोधन सुनने आए हैं। जीतू पटवारी जी को अभिवादन देने आए हैं। और आप देखेंगे कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग हमेशा जनता का सोशल मीडिया विभाग है, और ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं ये लगातार सोशल मीडिया पर सुबह से लेकर रात तक लड़ाई लड़ते हैं। आज उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से उनको मोटिवेट भी करेंगे, और आगे का जो मार्गदर्शन है लोकसभा का चुनाव जो होना है उसमें किस तरीके से इनकी नफरत की जो दुकान चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, कैसे उसकी दुकान को मोहब्बत से जगाना है, उसका काम भी जीतू पटवारी जी बताएंगे। अभी इस मीटिंग में एक और बात की निकल के सामने आई है कि जो आपके पदाधिकारी हैं जगह जगह से आए हैं, उनका मानना यह है कि हमारे हिसाब से नहीं पूछा जाता है कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो ये हमारा पूरा एक जीतू पटवारी जी सबको सुनने आए, आज आप देखेंगे अभी जब आएंगे वो तो वो सारी बातें सुनेंगे। यही बात हम लोग भी सुन रहे हैं, और ये बात हर पार्टी में होती है हर जगह पे, और कोऑर्डिनेशन की जहाँ जहाँ कमी है उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हमें हमारे कार्यकर्ता की सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की सुनती है, और ये आज आपने देखा होगा उदाहरण की कार्यकर्ता को किस तरीके से मोटिवेट करने का काम जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है कांग्रेस पार्टी के लिए कि कार्यकर्ता की आवाज़ को सुना जा रहा है। ये भी सामने आया है, अभी कुछ लोगों ने बोला है मीटिंग में कि जो आप लोगों के यहाँ के जो कैंडिडेट हैं जो टिकट मांग रहे थे उन लोगों को टिकट जब नहीं मिला तो उन लोगों ने गफलतबाजी की है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट की है पार्टी। देखिए ये सब बातें तो कई जगह से कई मीटिंग्स में आई हैं सामने, इन सब बातों पे जीतू पटवारी जी संज्ञान लेंगे, हमारा नेतृत्व संज्ञान लेगा, और आगे की जो बातें होंगी वो सब होंगी। लेकिन मुख्य काम है हमारा सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता की व्यथा सुनना, किस तरीके से भाजपा के लोग उन पे FIR करते हैं, लिखने पर रोक लगाते हैं, फ़ोन लगा के धमकाते हैं उन कार्यकर्ताओं को। ये हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया का कार्यकर्ता ज़मीनी कार्यकर्ता होता है, उनको मोटिवेट करने के लिए जीतू पटवारी जी। कि जो आपके कार्यकर्ता हैं क्या उन लोगों से भी पूछा जाएगा कि आप यहाँ का कौन सा व्यक्ति सही है? बिल्कुल 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 पूछा जाएगा, यही हमारे पार्टी की एक, हमारे यहाँ लोकतंत्र खुला है, कांग्रेस में कोई रबर स्टैंप जैसा काम नहीं होता, हर इंसान आवाज़ उठाता है, और आप देख रहे होंगे हर इंसान अपनी दिल की बात बता रहा है। कांग्रेस पार्टी में जनता से भी हम इसी तरीके से जुड़ाव रखते हैं, तभी हमको 40% वोट मध्य प्रदेश में मिला, और पिछले जो 6 महीने में चुनाव हुए उनमें आपने देखा होगा 3 राज्यों में भाजपा जीती है और 3 राज्यों में कांग्रेस जीती है, 2 राज्य हमने भाजपा से छीने, 1 प्रादेशिक पार्टी से छीने, तो कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ता की आवाज़ हमेशा बने रहते हैं, और आज भी आप देखेंगे आगे कार्यकर्ता ही हमारा ताकत रहेगा सोशल मीडिया का।